टीवी ते तो कुछ पेपर दे विच रिपोर्टेड होया सेंट्रल ग्रीन जेड़ा टावर दे बारे उदे च रिपोर्ट किया गया कि जेड़ी किसी नूं वख वख लोकां नूं एक चिट्ठी आई है जेड़ी कि उन्हूं हिंग्लिश कह सकते हैं अद्धी अंग्रेजी अद्धी हिंदी टाइप जिहड़ी उहदे च उस टाइप दी उहदे च लैटर आई सी उहदे च कहा गया सी भी अमित कुमार नारंग नूं कहा जावे कि साढ़े 16 करोड़ रुपया देवे नहीं तो तुहानूं असीं अड़ा देंगे भी तुहाडे ते असीं हमला करांगे वह अस मैटर इनवैसटीगेशन अंडर इनवैसटीगेशन है पर इनिशियल तौर पर जिहड़ा ये पता लग्या जिहड़ा अमित कुमार आ उस जिहड़े टावर दे विच रह रहे आ पिछले 4 महीनों तो उन्हें उहदा हजे रेंट नहीं दिता किराए दे विच रह रहे आ ते प्लस उहदियां काफ़ी जिहड़ियां देनदारियां है कोई 1.5 करोड़ उहदे बैंक की देनदारी है तो होर 50 लाख किसी होर की देनदारी है इस करके ये जिहड़ा कोई टावर नूं थ्रैट नहीं गी वह बंदियां नूं थ्रैट नहीं इंडिविजुअल जिहड़ा कोई फाइनैंशियल मैटर है असी उस टीम नूं लुधियाना टीम उहदे ते वर्कआउट कर रही है तो छेती जदों क्लीयर हो गया तुहाडे नाल गल शेयर करांगे फिलहाल इन्नी कर सकते हैं जिहड़ा हुण तक असी इनवैसटीगेट किया भी वह पैसे वल्लों टुट्टिया विआ सेहत उहदी खराब है डिस्क की उहदी प्रॉब्लम है उहदे चों जिहड़ा हजे हॉस्पिटल दे विच 2 डिस्क उहदियां शायद स्लिप होईयां विआं ते थोड़ा जिहा वाइफ दे नाल थोड़ा जिहा जिवें बिजनेस दे विच देनदारी करके कुछ थोड़ा बहुत डिस्प्यूट जिहा भी चल रहा बट असी हर एंगल तो मामला उहनूं जिहड़ी कि उहनूं सीधी थ्रैट आउण दी बजाए भी टावर वालिआं नूं क्यों थ्रैट आई ते टावर वालिआं नूं इह कहा गया जिहड़ा कि 4 महीने तो किराया नहीं दे रहा तो जिहड़े कोले आपदे फाइनैंशियल टुट्टिया होण करके बैंक की 1.5 करोड़ देनदारी है तो जां होर 50 लाख की देनदारी है भी उहनूं कहा जाए भी 16 करोड़ रुपया दिता जाए नहीं तो तुहानूं सारिआं नूं देख लांगे मामला तो तुसीं आप ही अंडरसटैंड कर सकते हो भी थोड़ा जिहा शक्की टाइप है असी वी आर वर्किंग ऑन इट जदों कोई होर डिटेल हुई तुहाडे नाल शेयर करांगे थैंक यू बच्चों का दुख माँ ना सहिंदी है तो गिले थां ते आ पैंदी है तो पौंदी है सुकी थां ते ओ दुनिया वालिओ माँ हुंदी है माँ ओ दुनिया वालिओ कहिंदे हन परमात्मा धरती ते आप नहीं आ सकदा ते उसने माँ दे रूप विच आ के इस धरती ते वास कीता माँ दी ममता दी उदाहरण दे रही है खन्ना की 32 सालों की परमजीत कौर जो रोज़ाना अपने 5 महीने का मासूम बच्चे नू अपनी पिठ ते बन के खन्ना दियां कचहरियां दे विच वकीलां दे चैंबर की साफ सफाई का काम करती है घर की गरीबी ते किराए का मकान होने कारण घर विच कोई होर मैंबर ना होने कारण मजबूरन उसनू अपना 5 महीने का बच्चे नू पिठ ते बन के कई कई घंटे झाड़ू पोचियां की साफ सफाई का काम करना पैंदा है परमजीत कौर ने दस्सिया कि सवेरे ठंड दे विच भी अपने बच्चे नू नाल लिआउण नू मजबूर है सकदे हो पिट ते बच्चा है असी यह सोचे कि पहला इन्हां नू काम कर लैण दित्ती जावे जिहड़ी इंटरव्यू है ना बाद च कर लेंगे क्योंकि असी इन्हां दे काम दे विच विघन नहीं पाउणा चाहुंदे सीगे क्योंकि प्राइवेट काम करदे ने शॉर्ट नाल ना तुहाडी स्क्रीन ते चल रहे होणगे तुसीं देख रहे हो किद्दां कचहरियां दे विच खन्ना दीआं कचहरियां ने मैं ते दसणा चाहुंदा कि खन्ना दे कचहरियां दे विच साडी भैण जिहड़ी काम करदी है ते अपने बच्चे नू वी नाल पिट ते नाल लै के उत्थे सारा काम करदी है तो साडे नाल भैण मौजूद है उन्होंने सारी असी गलबात करते हैं भैन जी सत श्रीकाल जी सत श्रीकाल भी जी भैन जी की नाम की है तुहाडा मेरा नाम परमजीत कौर है जी अच्छा परमजीत जी आप देख रहे थे तुसी कचहरियां दे विच काम कर रहे हो सफाई वगैरह का काम कर रहे हो हाँ जी भी जी की कर दियां मजबूरियां ने तुसी अपने छोटे जे बच्चे नू नाल लैके इत्थे कचहरियां दे विच तुसी काम करदे हो वीर जी एक तो हसबेंड की कमाई नाल इन्ना घर का खर्चा नहीं चलता तो इस करके मैं आप छोटे जे बच्चे लेके नाल काम करना पैंदा जी असी रेंट ते रहने आ ते साडे कोल यानी अपना घर नहीं हैगा तां करके असी
ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਹੇ ਜੀ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਰੁਲਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ? 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ? ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਫੁਰਤੀਲਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ 8 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਉਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ, 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 11 ਵਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਰੁਟੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਠੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 3 ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀ? ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਨਾਲ? ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ ਬੜਾ, ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਪਰ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ। ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚਾ ਸੌ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ? ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਸੱਸ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦੋਹੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਹਾ ਨਗਰੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਲੋਹਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮਿੱਲ PNG ਗੈਸ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹਾਲੇ ਜੋ ਖੰਨਾ ਔਰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ, ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੇਟ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੱਥੇ ਕਲੰਕ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਫਿਊਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ PNG ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ PNG 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 180 ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ PNG 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ IRM ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੋਨੋਪਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਨੋਪਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣੀ ਲਗਭਗ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ 8-10 ਮਿੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਮੋਡ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ
किसी किस्म का कोई ये सुधार हो जाएगा गैस के प्राइसिस के असी शायद चला लीए, नहीं अदरवाइज हो सकता भी आने वाले टाइम के होर मिलों भी इस स्टैंड बाई मोड के उत्ते आ जाए। हुण खन्ने दे विच थिंक गैस कंपनी हैगी है, उन्होंने अपने ही टर्म्स एंड कंडीशन है, अपने उन्होंने रेट है, तो पोल्यूशन बोर्ड वालों ये प्रेशर पाया जा रहा रोज़ भी तुसी खन्ने दीआं मिलां दे विच भी कोला छड्ड के ते गैस ते आओ। मानयोग अदालत दे आदेशां दे पंजाब सरकार वालों देशी शराब ते शिकंजा कसिया जा रहा, जिस दे चलदे आबकारी विभाग बटाला दे अधिकारियों वालों पंजाब पुलिस नाल वख-वख शक्की थावां ते लगातार रेड कर अज ब्यास दरिया के कंढे वड्डी तादाद विच देसी शराब अते लाण दा जखीरा दरिया के कंढे शाम लाट थावां ते रेड कर जब्त किया गया, तो यह जहर रूपी देसी लाहण ब्यास दरिया के कंढे तरपालों में जमीन हेठ दबी हुई सी। एस एस पी साहब बटाला ते डी एस पी श्री हरगोबिंदपुर साहब वालों जड़े निर्देश दिए गए थे कि जी नजायज़ शराब हैगी उन्होंने वख वख जगह पर असी रेड किए हैं, जिन्हों के दो असी चल दियाँ भट्ठिया तो 40 बोतल शराब तो 10,000 लीटर जी लाण आ वो असी अज जड़ियाँ वक् वक् तरपालों के जड़ियाँ बरामद की। अमृतसर की सरकारी बस एक औरत काल बन के आई, जो औरत दवाई लैन जा रही थी तो बस ने उसनों कुचल दिता तो उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना तो बाद बस चालक फरार हो गया। बहरहाल पुलिस ने ड्राइवर से मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। सर अभी बाजार आए थे इतने बस स्टैंड तो रामबाग में जा रहे, तो एक बस स्टैंड तो बस निकली है PRTC की तो बड़ी स्पीड से ही उसने मतलब कि कवर अं तिना ने हो जाना है, मैं मेरी पत्नी तो माता ते, पर आप किस तरह अपने आप दौड़ के बचाया, वो बजुर्ग से उन्होंने को नहीं छेती दौड़िया गया तो वो कवर आ गए। 63 साल 63 साल हाँ जी। राणी बस चढ़ते नहीं नहीं नहीं, असं अपनी साइड जा रहे थे, असी अपनी साइड जा रहे ही तो बस स्टैंड तो बस निकली है तो पिछों टक्कर मारी है। असी प्रशासन को मांग करते भी सानू इंसाफ दिता जाए। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। राणी मेरी माता जी पंडोरी विड़ैच। सवा एक बजे राणी नाम की औरत सी नाल अपने बेटा सी नाल उहदी बहू ही जा रही सी, पिछों एक फरीदकोट PRTC दी बस आई जिहड़ी उहदे उत्ते चढ़ गई जिहदी राणी दी मौके ते मौत हो गई। हाँ जी ये बस बस स्टैंड तो जा रही सी जी, बस स्टैंड तो जा रही सी। नहीं ये तो हुण मौके ते CCTV कैमरे वेखांगे बस तेज़ ही जां की कारण बणिया वा। हाँ परचा दर्ज करके वाली कार ही लियांदी आ। हाँ जी नहीं जी ड्राइवर जिहड़ा वो मौके ते दौड़ गया जी। हाँ जी बस कब्जे विच लई गई आ, जिहड़ा ड्राइवर मौके ते दौड़ गया वा, जदों उहनूं नैक्सट गिरफ्तार करके नैक्सट अगली कार भी लियांदी जाऊगी। नजायज़ वसूली नूं लैके नगर निगम दफ्तर दे बाहर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि लुधियाना नगर निगम की 2 मंजिली इमारत में पार्किंग लई प्रति घंटे के हिसाब नाल पैसे देने पैंदे हन, जिहड़ा कि सरासर धक्का है। प्रदर्शनकारियों मेयर बलकार सिंह सिद्धू नूं मंग पत्र भी दिता गया। अज पंजाब सरकार के खिलाफ लुधियाना नगर निगम के खिलाफ पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के बैनर थले माता रानी रोड शॉपकीपर एसोसीएशन और समूह व्यापारी वर्ग की तरफों नगर निगम की धक्केशाही के खिलाफ पार्किंग के खिलाफ और पंजाब के लैंड लॉर्ड के हालात के खिलाफ व्यापारियों नाल जो धक्केशाही पंजाब भर के हो रही है, व्यापार ठप हो गया, व्यापार बर्बाद हो गया है और साले एक कफन दे विच लुधियाना नगर निगम ने ठोकती है। कितने फरौतियां मंगियां जा रही हैं, कितने राकेट लांचर हो रहे हैं, कितने गैंगस्टार पंजाब दे विच हावी हो गया है। यह लगता है पंजाब च भगवंत मान सरकार नहीं है, गैंग सरदार सरकार है। अज साले व्यापार दी इन्होंने होर बेरा गर्क कर दिता है, जब 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये 400 रुपये पार्किंग के धक्केशाही रेट लुधियाना नगर निगम की तरफों ए जोन से जिते लुधियाना नगर निगम का हैड ऑफिस है उत्थे गुंडागर्दी नाल लिते जा रहे हैं, जिन्हों व्यापारी बर्दाश्त नहीं करेगा। अज असी इन्होंने 10 रुपये 20 रुपये तो 1 घंटा 2 घंटे के रेट लागू करते हैं, जबकि 4 करोड़ 25 लाख का ठेका 25 लाख ज़्यादा गया है और गुंडागर्दी ना धक्केशाही ना जिन्ना व्यापारी आना बंद हो गया, बाजार सुनसान हो गए हैं और बाजार जो व्यापारी
डर और खौफ करके आता नहीं। पंजाब का माहौल वैसे ही खराब है और पार्किंग वाले ने होर माहौल खराब करता जिन्हों व्यापार मंडल व्यापारी बर्दाश्त नहीं करेगा। अज असी हफ्ते का अल्टीमेटम देने 18 तरीक न समूह व्यापारी वर्ग की बैठक होएगी और असी लुधियाना बंद करांगे, पंजाब बंद करांगे, पंजाब भर च धरने प्रदर्शन मुजहरे करांगे। असी चीफ मिनिस्टर नूं एक महीना पहला मेमोरेंडम दे चुके हैं, लोकल बॉडी मिनिस्टर नूं दे चुके हैं, केजरीवाल नूं दे चुके हैं, राघव चड्ढा नूं दे चुके हैं, लुधियाना नगर निगम में तमाम MLA नूं दे चुके हैं। अज MLA चुप करके बैठे हुए हैं, मैं उन्हां नूं बेनती करांगा MLA नूं अपना फर्ज निभाना चाहिए, जनता की आवाज़ सुननी चाहिए है, नहीं तो आने वाले नगर निगम के चुनावों में व्यापारी वर्ग डट के इन्हां दा विरोध करेगा। जिस आप पार्टी नूं व्यापारियों ने 92 सीटां 72 सीटां दित्तियां ने, उन्हें व्यापारी वर्ग जिहड़ा इन्नियां ज़्यादा सीटां दित्तियां, अगले बार नगर निगम व्यापारी वर्ग ना विरोध करके ना सफाया करेगा। सुरक्षा नूं लैके फिरोजपुर वल्लों अज थां थां ते नाकेबंदी की गई ते थाणियां दीआं पुराणियां ते छोटियां कंधां नूं मुरम्मत कर उच्चा किया गया। तुहानूं दस दईए कि तरन तारण के सांझ केंद्र देर रात वापरी हमले की घटना तो बाद फिरोजपुर में सुरक्षा का वड्डा असर देखने मिल रहा है। देखो जी, ये इनपुट्स तो सानूं काफ़ी टाइम दे आ रहे हैं, असी DGP साहब वालों हदायत आ गई हैं कि साढ़े SSP मैडम श्रीमती कंवरदीप कौर IPS उन्होंने भी डायरेक्शन पास करती है टू द लास्ट सोल्जर ऑन ग्राउंड, तो असी सारी फोर्स नू एक्टिव ते अलर्ट करता है, ऑन स्टैंड बाय करता है। स्पेशल टीम साड़ी स्टैंड बाय रहती है, साड़ी फ्लाइंग स्क्वाड्स है वो भी पुलिस लाइन में CIA दी टीमां या थाने दी टीमां वो भी हाजिर रहती है 24/7। बाकी जिहड़ी असी इस घटना नू देखते हुए जो अगे साड़ी अज भी मीटिंग हुई सी मैडम SSP साहब वालों सारे GOs नाल ते सारे ऑल SHOs एंड चौंकी इंचार्जेस उहदे विच जो उन्होंने डायरेक्शन पास कीतियां सानू पुलिस स्टेशन ते गवर्नमेंट बिल्डिंग जिहड़ियां पुलिस दियां उन्होंने स्ट्रेंथन करन लई असी बाकी उन्होंने सानू फंड्स प्रोवाइड किए ते असी सेफ्टी ते सिक्योरिटी पैराफ्री दी सिक्योर करन लई असी कुछ चीज़ां चेंजेस लिया रहे हैं बाउंड्री वॉल्स विच बारबड वायर संतरी पोस्टां विच उन्हां नू स्ट्रेंथन करके आपदा जिहड़ा गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन है जिहड़ा साडा पुलिस स्टेशन हो गया चौकी हो गई या कोई भी SSP ऑफिस हो गया उन्हां दी सिक्योरिटी नूं असीं सिक्योर करांगे ते लोकां नूं कोई भी असीं भरोसा दिवाने वी इहो जिहा कोई इंसीडेंट फिरोजपुर जिले विच असीं होण नहीं देवांगे। बाकी वध तों वध असीं लोकां नूं वी अपील करना चाहुंदे हां वी तुसीं आपदे भावें तुहाडा कोई बिजनेस है, कोई शॉप है, कोई घर है, कोई गली मुहल्ले है, वध तों वध तुसीं CCTV कैमरे लवाओ। असी भी आपके इंस्टॉलेशन से लवाण लगे हैं, मजोरिटी ऑफ दैन हैव बिन कवर्ड, तो जिहड़ा भी साडा कोई होर एरिया हैगा जिथे नहीं लगे असी उत्थे ही लवाओगे ताकि सानू कदे भी कोई घटना होंदी है नॉट दैट भी एडी वड्डी कोई घटना हो, कोई भी स्नैचिंग हो, कोई चोरी चकारी कुछ मर्जी हो जाती है सानू ट्रेस करन विच बड़ी उहदे विच हैल्प मिलती है जे CCTV कैमरेज लगे होन। तो असी पब्लिक नू अपील करना चाहांगे कि कोई भी उन्हां नू बसंत पंचमी का त्यौहार आने वाला है ते दुकानदारा ने हुणे तो ही चाइना डोर वेचनी शुरू कर दिती। अज फिरोजपुर की पुलिस ने चाइना डोर वेचण वालियां ते सिकंजा कस दिता है ते चाइना डोर दियां 7 पेटियां बरामद कीतियां हन। थाणा मुखी ने कहा कि चाइना डोर वेचण वालियां नूं बख्शिया नहीं जाएगा। जी साढ़े वालों 497 नंबर FIR है, कल असी दर्ज की सी। ये पवन कुमार है, बलदेव सिंह का बेटा है, पटियाली बस्ती का रहने वाला, ये तो असी डोर बरामद की है तो टोटल 7 पेटियां इतों बरामद कीतियां तो इनू गिरफ़्तार कर लिया गया तो अगे हजे तफ्तीश जारी है। तो ये जो क्वांटिटी 7 पेटियां तो मतलब है तो वेचन वाला काम ही है तो बट ता भी हजे असी इन्वेस्टिगेशन जारी कर रहे हैं अगे जिहड़े जिहड़े बंदे तो बरामद हो ही जाएगी डोर ऑल ओवर तो असी उवें कार्रवाई करते रहेंगे। पंजाब च शरेआम विक रहे हैं नशियां के खिलाफ हुण लोग खुद ही मोर्चा संभालन लग रहे हैं। समराला के पिंड दिवाला विखे पिंड वासियां ने नशा सप्लाई कर आए 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਇਹ ਸਮਗਲਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਦਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਖੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਆਈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੇ ਬੰਦੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ
तो मैं स्पोर्ट्स क्लब बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतह सिंह स्पोर्ट्स क्लब का मीत प्रधान हाँ जी। तो साड़ी हमेशा पिंड यही पहल रही है कि असी पिंड वधिया तो वधिया काम कर सकीए, तो पिंड नशा मुक्त करना साडा पहला काम है। तो उहदे नाल साडा पहला तो ही प्रोजेक्ट चलता सी भी कोई ना कोई बंदा साडे हत्थ च इदां आवे भी जिहदे नाल असीं बाहर अंदर भी बंदे की सपोर्ट लैके वो बंदे नूं असीं पुलिस कस्टडी दे सकीए। तो कल तकरीबन साडा दो चार चंद पिछों ये ऑपरेशन चलता सी, तो रात सानूं तकरीबन पिंड दे गुरद्वारा साहब विच तकरीबन एक बजे अनाउंसमेंट हुई सी भी पिंड विच कुछ बंदे अनसत्ते आए हुए है भी चोरी करी उन्होंने। तो जदों पिंड अनाउंसमेंट हुई सारा पिंड साडा जाग गया, तो उस तों बाद असीं पिंडां दे आले दुआले जो रस्ते आउंदे सी वो ब्लॉक कर दिए गए। तो इन्होंने पिंड दे विचों किसी घर दे विचों बाइक खड़ी सी बाहर, वो बाइक चोरी करके ले जाण लग्गिया सी, ते ले जा के उस मोटरसाइकिल स्टार्ट करके जो ले जाण गया पिंड दे बंदे कुछ उहदे मगर पै गए जी बंदे दे। सवेरे दुआले पिंड तों तीन बंदे गिरफ्तार किए ने पिंड वासियों की हैल्प दे नाल। एक उन्हां चों कृष्ण है, ये हैगा मजाली खुरद का, ये इंदे कोल एक जानकार है PB10BC8908। तो इस तरह ही एक हरमनप्रीत है, ये अपने नाल ही पिंड नागरा ये उत्थों दा रहण वाला, इंदे कोल वरना गड्डी है PB10DB00065। तो तीजा बंदा जिहड़ा गिरफ्तार किया वो अमनदीप सिंह है हेडों का, हेडों भी अपने समराले च ही पैंदा। इंदे कोल स्कोडा गड्डी सी PB10CE6399। ये बंदे जिहड़े ने एक जिहड़ा मेन बंदा हैगा चौथा वो दुआले पिंड दा हाकम सिंह, जिंदे ते इनफॉर्मेशन सी कि वो नशे की समगलिंग करता, पिछे जे उहदे घरदिआं ने इह आप भी पींदा सी घरदिआं ने पिछे जे सेंटर च। आम आदमी पार्टी दे आगू मनीष सिसोदिया वल्लों माणहानी दे मामले विच अज बिक्रमजीत सिंह मजीठिया अदालत विच पेश होए। इस मामले विच उन्हां कहा कि मैनूं कानून प्रणाली ते पूरा भरोसा है ते अदालत मेरे नाल इंसाफ करेगी। बड़े प्यार नाल ते बड़े सत्कार नाल गल आवाज तो उन्हें समझ में आ गया और आप की गलती दा एहसास होना, इसलिए भावें मैं भी समझदा कि जदों केजरीवाल ही आप दी गलती दा एहसास कर गया ते वो इन्हां दा करता धरता है। मैं तो संजय सिंह नूं भी कहूँगा कि भाई काहदे लई भज्जिया फिरदा, आ जा इत्थे आपां महीना ला दईए ते काम दा निपटारा कर दईए, तूं कि कब तक भागेगा, नहीं तो लोग कहणगे भाग संजय भाग, फिर वह कम हो जाए। बाकी अज फिर गैर हाजिर हो गए आ, आई वारी कोई बहाना लाउंदे आउंदे है नहीं जां, और इहदे नाल ही मैं समझदा कि आपदी भावें वह पोजिशन नूं दी तौस जमाउंदे आ, मगर सच्चाई दी जित, मैनूं पूरा विश्वास है कि गुरु दी बख्शिश नाल जित सच्चाई दी हमेशा आउंदी आई आ होगी। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਰਹਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਡੀ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਹੀ ਦੇਣ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਲੈਪਸ ਔਰ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਏ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨਚਾ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨਚਾ ਲਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 2 RPG ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
अमृतसर विच लगे अंतरराष्ट्रीय पाइटेक्स मेले विच अज अनमोल गगन मान ने शिरकत की। इस मौके ते उन्हां तरन तारण विच होए अतवादी हमले की निंदा की। उन्हां फिर भी कहा कि पंजाब सरकार चंगा काम कर रही है ते उन्हां इह भी कहा कि पंजाब सरकार पंजाब विच निवेश वधा रही है। तो ये 16th जिहड़ा एडिशन है उहदे ते डेलीगेट्स अज आए ने ते बहुत नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट जिहड़ा है ट्रेड फेयर किया गया। उहदे लई मैं पहला तो सारे इंडस्ट्री नूं वधाई दिंदी हां, वधाई दे हकदार ने ते पंजाब सरकार एफर्ट्स कर रही है कि पंजाब जिहड़ी मैक्सीमम इंडस्ट्री नूं समॉल स्केल इंडस्ट्री नूं MSMEs नूं जिहड़ा पंजाब च लिआंदा जावे, क्योंकि इंडस्ट्री आऊगी, नौजवान पैरां सिर खड़े होणगे ते उहदे नाल जॉब्स भी क्रिएट होंदियां ते स्टेट दी इकोनमी है जिहड़ी उहनूं बड़ा फायदा हुंदा। ते लगातार CM साहब ये गतिशील ने, लगातार असं प्रोग्राम कर रहे हैं ते फरवरी दे विच 2023 आप जिहड़ा समिट करवा रहे हैं जिहदे विच सानूं उम्मीद है कि जिहड़ी चंगी इनवैसटमेंट पंजाब च आऊगी उहदियां तैयारियां चलदियां पईआं, उहदे लई अज इनवाइट करके जावांगे। सो CM साहब बड़े गंभीर ने इंडस्ट्री नूं लैके कि मैक्सीमम जिहड़ा पंजाब नूं पैरां सिर इंडस्ट्री पक्खों खड़ा कीता जावे ते पंजाब दे नौजवानां नूं स्टार्टअप्स लई ते छोटे बिजनेस दे लई जिहड़ा इनकरेज कीता जावे उहदे लई दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं विरोधियों वल्लों कानून व्यवस्था ते लगातार सवाल चुके जा रहे हो, सरहाली दे विच बीते रात जिहड़ा किस तरह वेखदे हो? देखो पंजाब तरक्की दे राह ते आ, सरकार नवीं है, चंगी सरकार है, ईमानदार सरकार है। सो कुछ विरोधी जिहड़े अंसर हुंदे उहनां ते गल्लां बर्दाश्त हुंदियां नहीं। सो इहो जिहियां जिहड़ियां कारवाइयां ने ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਟ ਸਿਸਟਮ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 26 ਸਾਲਾਂ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। 26 ਸਾਲਾਂ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹੀ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੈਮੀ ਟਰੱਕ ਬੈਕ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟਰਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਟਰਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਪਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਰੋ ਮਾਜਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।